नमस्ते बच्चों, विषय संस्कृत, कक्षा अष्टमी, षष्ठ पाठ मधुराणी वचनानि। तो इसके पहले वीडियो में भी हमने पाठ नंबर 6 मधुराणी वचनानि के कुछ सूक्तियां पढ़ी थी, सूक्तियां और उसका भावार्थ भी। तो आज हम सूक्ति नंबर 5 सत्यमेव जयते न अनृतम्। सत्यमेव, सत्यम एव, सत्य सच, एव ही जयते, जीत होती है। कहने का अर्थ है सच की ही जीत होती है। न नहीं, अनृतम् झूठ की। पूरे सूक्ति का अर्थ होता है सच की ही झूठ होता जीत होती है, झूठ की नहीं। उसका भावार्थ संस्कृत सरला, संसारे सत्यस्य जयः भवति। तो पूरे संसारे विश्व में या पूरे संसार में सत्यस्य सच की एव ही जयः विजय भवति होती है। संसार में सच और सत्य की ही विजय होती है। न तू असत्यम, न की झूठ की। हमने अपने ग्रंथों में भी पढ़ा है और उसने सुना भी है कि हमेशा सच की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। अतः इसलिए सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसलिए हमेशा सच ही बोले। यहां पर हमें सच बोलने का आदेश दिया जा रहा है, इसलिए कहते हैं हमेशा हमेशा सभी को सच ही बोलना चाहिए, अर्थात सच ही बोले। इस सूक्ति के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना है और हमेशा सच ही बोलना है। सूक्ति नंबर 6 मां भ्राता भ्रातरं द्विक्षा। मां मत और दूसरा अर्थ होता है नहीं। भ्राता भाई, भ्रातरं भाइयों में द्विक्षा द्वेष न हो। पूरे सूक्ति का अर्थ होता है भाई भाइयों में द्वेष मां मत करो, भाई भाइयों में द्वेष न हो या भाई भाइयों में द्वेष मत करो। अगर भाई भाइयों में अगर द्वेष हो, ईर्ष्या हो, तो हमें एकता नहीं होगी। पर यहाँ पर पूरे संसार के लिए या पूरे लोगों के लिए कहा गया है। इसके भावार्थ में जनेषु भ्रातृभाव भवे, जनेषु पूरे लोगों में, केवल भाई भाइयों में नहीं, पूरे लोगों में भ्रातृभाव भाई भाई के समान सोच भवे हो। हम सब भाई है ऐसा सोच या विचार होना चाहिए। न तु द्वेषः, न कि द्वेष भावना, सभी लोगों में प्रेम की भावना होनी चाहिए, द्वेष की नहीं। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत, केनापि सह किसी के साथ भी ईर्ष्या मा कुरुत द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। परस्परं मिलित्वा वसेयुः, और सब मिलकर रहो। यहाँ पर भी साथ साथ रहने के लिए कहा गया है, आदेश भी दिया है कि हमें साथ साथ रहना है, आपस में द्वेष नहीं करना है। इस सूक्ति के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि जिस तरह भाई भाई दोनों मिलजुल कर रहते हैं, तो हम सभी लोगों को भी चाहिए कि एक साथ मिलकर रहे, आपस में द्वेष न करें। सूक्ति नंबर 7 आलस्यम ही मनुष्याना शरीरस्तो महान रिपुः। इसका अर्थ आलस्यम, आलस्य ही नीचे से मनुष्याना मनुष्यों के शरीरस्तो शरीर में रहने वाला महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। हम शत्रु किसी बाहरी व्यक्ति को कहते हैं, पर हमारा
शत्रु हमारे शरीर में रहने वाला आलस्य ही है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारे अंदर रहने वाला आलस्य। इसका संस्कृत में सरल अर्थ देखिए, भावार्थ, अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति। सूक्ति में कहा गया है अस्माकं शत्रु हमारा दुश्मन अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारे शरीर में ही है। हमारा दुश्मन हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रु कः, यह दुश्मन कौन है? आलस्यम, आलस्य। हम शत्रुओं को इधर उधर ढूंढते हैं, दूसरे को समझते हैं, परंतु हमारे है ना शत्रु है, हमारे शरीर में रहने वाला शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य, आलस्य एव वस्तुतः। और आलस्य ही असल में अस्माकं शत्रु अस्ति, हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन कौन है? आलस्य ही है। अतः आलस्य मा कुरुत, इसलिए कभी भी आलस्य मत करो। जो आलस्य करता है वो हमेशा पीछे रहता है, और जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हमें इस सूक्ति के द्वारा शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी बनकर नहीं रहना है, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, यही शिक्षा मिलती है। और सूक्ति नंबर 8, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम, शरीरम आद्य, दो शब्द है, शरीरम आद्य, खलु धर्म साधनम। शरीरम शरीर, आद्यम पहला, खलु नीचे ही, धर्म साधनम धार्मिक काम करने का साधन है। उसका अर्थ देखो, खलु नीचे ही, शरीर पहला धार्मिक काम करने का साधन है। अगर हमें कोई भी काम करने हो तो हम शरीर से ही करते हैं। इस सूक्ति के कहने का अर्थ है कि हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के सभी काम या धार्मिक काम कर सकते हैं। भावार्थ, वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। वयम, हम सब, सर्वाणि सभी कार्याणि काम शरीरेण एव कुर्मः, शरीर से ही करते हैं। हम सभी काम शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखं साधनम् अस्ति। शरीरम एव, हमारा शरीर ही, अस्माकं हमारे, सर्वेषां सभी, एव ही कर्तव्यानां काम करने का, जितने भी धार्मिक काम करने का प्रमुखं साधनम् अस्ति, मुख्य साधन है। हमारा शरीर ही सभी धार्मिक काम करने का मुख्य साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम् अस्ति, धार्मिक काम करने का भी साधन है। किसी के सेवा करने का भी साधन है। अगर किसी की सेवा करना है तो उसके पहले हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बलवान होना चाहिए, तभी हम किसी की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। इसलिए धर्मस्य पालनस्य साधनम् अस्ति, शरीर ही धार्मिक काम करने का अच्छा साधन है। अतः शरीरेण सर्वदा स्वस्थः भवेयुः। जब हमारे सभी काम शरीर से ही होते हैं, इसलिए शरीरेण एव, शरीर से ही सर्वदा हमेशा स्वस्थः भवेयुः, स्वस्थ हो। हम हमेशा शरीर से कैसे होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, तभी अपने जीवन के सभी काम, चाहे वो धार्मिक क्यों न हो, वो पूर्ण हो सकते हैं। तो इस सूक्ति के द्वारा हमें संदेश या शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बलवान और स्वस्थ होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के सभी कार्य अच्छी तरह से ठीक से पूर्ण कर सके। सूक्ति नंबर 9,
वयः समीक्षते न नहीं। धर्म धार्मिक काम या धार्मिक प्रवचन वृद्धिषु जो अधिक वय वाले अधिक उम्र वाले लोग होते हैं वयः उम्र वाले लोग होते हैं समीक्षते उनकी ही गणना होती है। जो धार्मिक उपदेश देते हैं कहा जाता है कि अधिक उम्र वालों की ही गणना होती है, पर धार्मिक काम सभी कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे कोई वृद्ध अधिक उम्र वाला व्यक्ति हो, वे सभी जो धर्म होता है या धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति हो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, अर्थात उसका सम्मान होना चाहिए। न धर्म वृद्धेशु वयः समीक्षते, तो बोले धार्मिक प्रचार करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, उम्र की कोई गणना नहीं होती। अब और विस्तार से भावा ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानिनः ज्ञानवान है विद्वान है, गुणिनः सन्ति और जिनमें अच्छे गुण है, कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति जो अपने कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से पूर्ण करते हैं, तेषां ज्ञानस्य उनके ज्ञान का बुद्धि का गुणानां कर्तव्यस्य शक्ति एवं महत्वं भवति, उनके ज्ञान का उनके अच्छे अच्छे गुण और जो धार्मिक काम करते हैं उनके शक्ति का एवं महत्वं अस्ति, उनके ज्ञान और गुणों के गुण का ही महत्व होता है। कहने का अर्थ है कि जो ज्ञानी है विद्वान है गुणी है जिनमें अच्छे गुण है और वे ही अपने कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से करते हैं और उनको ही महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि यदि बाला अपि सन्ति बाला अपि भवन्ति, अगर वे जो ज्ञानी है और जो गुणी है अगर वे बाला अपि भवन्ति, अगर वो बच्चे भी है कम उम्र वाले लड़के भी है या बालक भी है, तथापि तभी पूज्यः योग्यः सम्मान योग्यः च सन्ति, वे भी सम्मानित और पूजनीय होते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अगर वृद्ध है अधिक उम्र वाले हैं है ना, उनको इस तरह से दाढ़ी है तिलक वगैरह लगाए हुए हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, ऐसे ही लोगों को अधिकतर पूज्य और सम्मानित कहा जाता है। पर अगर लड़का भी हो या कम उम्र वाला भी हो, अगर वो ज्ञानी है या फिर गुणवान है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, अपने पूरे काम करता है, अगर वो लड़का भी है तो भी वह पूजनीय और सम्मान के योग्य होना चाहिए। अधिकांश हम देखते हैं कि अधिक उम्र वालों को ही सम्मान मिलता है, अगर ज्ञानवान और गुणवान हो तो दिखने में कम उम्र वाला अगर लड़का भी है वो भी पूजनीय और सम्मानीय होना चाहिए, यही इस सूक्ति के द्वारा हमें सीख मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।